पर ज्ञापन देने किसानों ने प्रशासन से नाराज होकर पदाधिकारियों ने जो ज्ञापन देने पहुंचे थे उस ज्ञापन को ही फाड़ दिया और बिना ज्ञापन दिए वापस चले आए। आपको भी दिखाते हैं क्या था पूरा मामला। जिला मुख्यालय पर डीएपी खाद की कालाबाजारी और किल्लत को लेकर प्रदर्शन व ज्ञापन देने पहुँचे किसानों का गुस्सा फूट गया और उन्होंने ज्ञापन को ही फाड़ दिया। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन से नाराज किसानों ने जो ज्ञापन देने के लिए आए थे उसी को फाड़ दिया। जब पूरे मामले की जानकारी जुटाई गई कि ये किसान जिलाधिकारी द्वारा ज्ञापन न लेने से नाराज हो गए थे। हालांकि यहां उप जिलाधिकारी कई अन्य अधिकारी ज्ञापन देने के लिए पहुँच गए थे, लेकिन सिर्फ जिलाधिकारी को ज्ञापन देने की जिद पर अड़ीन किसानों ने आखिरकार ज्ञापन को ही फाड़ दिया। सूत्रों से पता चला है कि जिलाधिकारी चुनावी कार्य में व्यस्त थे, जिसके चलते उन्होंने ज्ञापन नहीं लिया और इसी बात से नाराज होकर किसानों ने ज्ञापन को फाड़ दिया। और क्या कुछ कहा है जरा आप भी सुनिए। मामला ये है कि किसान, जनपद का किसान डीएपी की किल्लत से परेशान है। पीसीएफ से जो खाद जाती है वो सारी खाद ब्लैक हो जाती है। किसानों को 5-5 हज़ार किसानों की लाइनें लगी हुई हैं और उनको खाद नहीं मिल पा रही है। 10 बोरी खाद की जरूरत, 5 की जरूरत, उसको 1 बोरी भी नहीं मिल पा रही है। दुकानों पर जाइए तो 1500 रुपये की बोरी, 1400 रुपये की बोरी मिल रही है। अन्य भी और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। इन समस्याओं को लेकर के हम लोग डीएम साहब से मिलने आए थे। डीएम साहब ने कहा कि ये तो किसान ड्रामे करते हैं, हमको ड्रामेबाज बता दिया है। और एक अंदर आ जाओ, एक क्यों अंदर आ जाओ कि हमें सेटिंग करनी है। हम जब किसनी से पूरे जनपद के कोने कोने से किसान यहाँ इकट्ठा हुआ है तो डीएम साहब इतने कमजोर हैं कि हमसे बात भी नहीं कर सकते हैं। क्या किसानों में इतनी बदबू आती है? क्या हमारे पसीने में बदबू आती है? अरे पसीनों में बदबू उनके आती है जो गड्डियाँ खाते हैं, जो भ्रष्टाचार करते हैं। हमारा पसीना तो ईमानदारी से है, धूप में जला हुआ तन हमारा है, ठीक है। तो डीएम साहब हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। एक आदमी आए अंदर सेटिंग कर लो, हम सेटिंग करने के लिए नहीं जाएंगे। और अब हम अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से बात करेंगे, हमें क्या करना है आगे उसकी रणनीति का खुलासा हम करेंगे। ज्ञापन देने आए थे आप लोगों ने, ज्ञापन फाड़ दिया? ज्ञापन नहीं दिया। जब ज्ञापन नहीं लिया, एक जिलाधिकारी ज्ञापन नहीं लेता है तो हम क्या कर सकते हैं? जब बोली रे ड्रामा कर, जब हमको ड्रामा बता दिया, जब जिलाधिकारी भाई हम अराजक तत्व नहीं है, हमारे पास ये तो नहीं हम जबरदस्ती ज्ञापन दे दें उनको, ये भी नहीं दे सकते हैं। जब जिलाधिकारी हमारा ज्ञापन नहीं ले रहे हैं, जिलाधिकारी की मंशा ये है कि हम चुपचाप चूहे की तरह आए, लिखें, ज्ञापन पकड़ा दें और डीएम साहब उसको पाड़ कूड़ेदान में फेंक दें।